अगर आप भी सोना पहनने के शौकीन हैं, तो ये वाला सीसीटीवी आपके लिए है। इसे देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल वायरल हो रहा ये सीसीटीवी आया है फतेहाबाद के टोहाना से, जहां सीसीटीवी में कैद हो गए हैं वो बदमाश जो दिन दहाड़े लोगों के गले से चेन छीन कर फरार हो जाते हैं और बेचारा पीड़ित कुछ नहीं कर पाता। अक्सर हमें कहा जाता है कि सोना खरीदना एक इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन तरीका है। आप न केवल अपने पैसे का सही निवेश कर रही हैं, बल्कि समाज में ही सोना पहनना एक शान का प्रतीक है। लेकिन बदलते दौर में सोने से आपकी शान बढ़े ना बढ़े, चिंताएं जरूर बढ़ जाती। आजकल चैन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही है, ऐसे में सचेत रहे। लेकिन सचेत कितना रहना होगा, इसका अंदाजा आपको ये सीसीटीवी फुटेज देखकर लग जाएगा। जगह है हरियाणा का टोहाना। एक आदमी अपने घर के बाहर सुबह 6:30 बजे पानी की मोटर शुरू करने गया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसके गले में पड़ी चेन पर पहले से किसी की निगाह है, किसी को उसका इंतजार है इसी पल का। क्योंकि अपने घर के बाहर काहे का डर, लेकिन ये बात गलत साबित कर दी इन बदमाशों ने। टोहाना के किला मोहल्ला वार्ड नंबर 8 में 2 अज्ञात बाइक सवार दिन दहाड़े इस शख्स के गले से चेन तोड़कर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित बाइक सवारों के पीछे दौड़कर पकड़ने की कोशिश करता है। अज्ञात बदमाशों का पीछा करते हुए वो गिर जाता है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश शुरू कर दी। पीड़ित बीरभान किला मोहल्ला वार्ड नंबर 8 का निवासी, सुबह 6:30 बजे अपने घर के बाहर गली में पानी की टोटी में पाइप लगा रहा। बाइक सवार एक व्यक्ति के गले से चेन स्नैचिंग कर फरार हो गए। घटना के समय पीड़ित बीरभान, जो कि बाबा कबीला शाह दरगाह के मुख्य सेवक है, अपने घर के सामने लगी पानी की मोटर लगा रहा था। ऐसे में 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर गली में आते हैं। सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बदमाश बाइक पर सवार होकर कुछ ही दूरी पर रुक जाता है। दूसरा बदमाश पैदल चलकर कुछ ही दूरी पर गली में बैठे वीरभान के गले से चैन तोड़कर फरार हो जाता है। पीड़ित बाइक सवारों के पीछे दौड़कर पकड़ने की कोशिश करता है और गिर जाता है। बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। घटना की सूचना थाना शहर पुलिस को दी जाती है। सुबह जी मैं अपना पाइप लगा रहा था टूटी की पानी ऊपर चढ़ाने के लिए, 2 बाइक सवार आए और बाइक रोकया और चैन तोड़ के भाग लिए। मैं पीछे भाग गया, हाथ के बाजू भी क्रैक हो गई और चोट चुटे भी लगी और अपने पार गए। मांग यही करते हैं भी ये गलत काम है, इसका इंसाफ होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, पकड़ने चाहिए वो। पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर अब जांच कर रही है। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए, लेकिन जिस तरह से घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि भले ही बदमाशों ने सोचा हो कि उनकी वारदात को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर लगे सीसीटीवी ने पूरी वारदात को देख भी लिया, सबको दिखा भी दिया। अब देखना होगा कि सीसीटीवी कैमरे में कैद बदमाश पुलिस की गिरफ्त में कब तक आते हैं और सीसीटीवी की ये मूक गवाही कितनी कारगर साबित होती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।